अब तक मौसम ने इतने रंग नहीं बदले जितने कोरोना ने बदल लिए। अब तक जितने वायरस दुनिया में आए हैं, हिसाब अगर लगाने जाओ तो गिनती भूल जाओगे। कोरोना से तो अब तक हम लड़ ही रहे थे, तब तक में मंकी पॉक्स ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या है मंकी पॉक्स और अफ्रीका के बाहर के लोगों को क्यों हो रहा है ये, और क्या है इसकी दवाई। तो आज इन सभी सवालों पर इत्मीनान से चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। यूरोपियन एंड अमेरिकन हेल्थ अथॉरिटीज ने देखा है कि जवान लोगों में ज्यादा मंकी पॉक्स के केस देखने को मिल रहे हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बीमारी उन लोगों को हो रही है जो कभी अफ्रीका गए ही नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स होता क्या है। The illness was first identified by scientists in 1958 and the first infection by monkeypox was seen in the year 1970 in a 9-year-old kid in Congo. Basically, monkeypox एक ऐसा infection है जो कि जानवरों में पाया जाता है, जैसे कि rodents and primates. और ये बीमारी सिर्फ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में ही देखी गई है। दिस पॉक्स वेरी ओकेजनली जम्प्स इनटू पीपल। मंकी पॉक्स बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं थोड़े से माइल्ड होते हैं। मोस्ट पेशेंट्स ओनली एक्सपीरियंस फीवर, बॉडी एक एंड फटीग। पीपल विथ मोर सीरियस इलनेस मे डेवलप अ रैश ऑन द फेस, हैंड्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू। मंकी पॉक्स से संक्रमित इंसान 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है, वो भी बिना अस्पताल गए। 10 में से किसी एक इंसान को अस्पताल जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। यूजुअली पीपल कैचिंग वायरस आर गिवन वन ऑफ सेवरल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन व्हिच इज इफेक्टिव अगेंस्ट मंकी पॉक्स आल्सो। एंटीवायरल ड्रग्स आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड। अब सवाल ये भी है कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, देयर बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर क्लोदिंग और बेडशीट्स। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO उन्होंने एस्टिमेट किया है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शंस इन अफ्रीकन कंट्रीज एवरी ईयर, मोस्ट आर इन कॉन्गो एंड इन नाइजीरिया। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स के एक भी इन्फेक्शन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर भारत सरकार जो है जितने भी यात्री आ रहे हैं बाहर से उनकी टेस्टिंग करवा रही है। उनकी मंकी पॉक्स की टेस्टिंग जो है वो करवाई जा रही है कि उनके अंदर मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो है या फिर नहीं है। अब आपको भी सावधान होकर के ही रहना होगा। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने वायरस को कैच कर लिया है तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू आइसोलेट योरसेल्फ एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कंसल्ट अ डॉक्टर। ऐसे ही तमाम बड़े जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए, न्यूज़ फैक्ट्स को देखने के लिए, विश्लेषण देखने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ अगर कोई विशेष टिप्पणी है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।